हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ मार्क्स की, आरआरबी ग्रुप डी के। ठीक है, और हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल इसकी देखिए सैलरी कितनी होती है। ठीक है, और ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स की हम लोग बात करने वाले हैं, और जोन वाइज, ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ मार्क्स की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए, अब पोस्ट की बात करें कितने पोस्ट हैं। ठीक है, और देखिए 2013 में एक एक चीज़ की जानकारी आपको आज देने वाला है इस वीडियो के बाद में। देखिए 2013 की बात की जाए, 2013 की, ठीक है, 2013 की बात की जाए तो टोटल पोस्ट देखिए थी कितने, हाँ 45,000 चार पोस्ट, 104 पोस्ट थी 45,000। ठीक है, 104 पोस्ट थी। और सन 2018 की बात की जाए, सन 2018 में 62,907 पोस्ट है। ठीक है, और पिछले सन 2013 की बात की जाए तो देखिए उसमें 1.26, ठीक है, 26 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, और इस बार की बात की जाए तो इस बार उससे ज़्यादा है, 1.65। ठीक है, ये फॉर्म पड़ा था। और बात इस कर लिया जाता सैलरी की कि इसकी सैलरी कितनी, पोस्ट की तो बात हो गई, फिर दूसरी बात हम लोग करते हैं कि सैलरी कितनी थी। तो सैलरी देखा जाए, टोटल सैलरी कितनी होती है तो देखा, देखिए बेसिक अगर सैलरी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी की, तो ये हमारी होती है 18,000 ग्रुप डी के बात हम लोग कर रहे हैं। बेसिक सैलरी 18,000 होती है, फिर उसमें आपको डीए मिल जाता है। ठीक है, डीए की बात की जाए तो डीए आपको मिल जाएगा 1260 मिल जाता है। ठीक है, और टीपी की बात की जाए, टीपी आपको मिल जाता है 963 रुपये, 963 सातवां वेतन लेके है। ठीक है, 963 रुपये। फिर एचआरए आपको मिल जाता है, तो एचआरए आपको मिल जाता है, तो एचआरए आपको मिल जाता है कितना, 1440 रुपया, 1440 रुपये। फिर आपको एनडीए मिल जाता है, नाइट और नाइट शिफ्ट जो ड्यूटी होती है। ठीक है, एनडीए मिल जाता है, वो कितना आपको मिल जाता है, 1500 रुपये, 1400-1500 रुपये होता है इसमें। ठीक है, अब 1500, पहले 1400 रुपये था, 1500 रुपये हो गया है। फिर आपको मिल जाता है क्या, हाँ एनएचए, हाँ एनएचए मिल जाता है। ठीक है, एनएचए की बात कर ली जाए तो ये आपको मिल जाता है टोटल 437 रुपये। ठीक है, फिर आपका रिस्क, रिस्क करके होते हैं, ठीक है, रिस्क के जो मिलता है वो मिल जाता है आपका 2700 रुपये। ठीक है, 2700 रुपये मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे इतने ये चीज़ आपको मिलती हैं। अब देखा जाए ग्रॉस सैलरी की बात की जाए तो ग्रॉस आपको मिल जाता है कितना, टोटल ग्रॉस की बात की जाए, ठीक है, तो कितना, 26,200 रुपये मिल जाता है, 26,200 रुपये आपके मिल जाता है। इसमें आपका हाँ कटेगा एनपीएस कटेगा, ठीक है, एनपीएस कटेगा, सीआईजी कटेगा, कट पिट के मतलब इसमें आपका 2000 रुपये कटेगा भी, जो पेंशन के लिए भी सब मिला के पेंशन वेंशन के लिए काटा जाता है। ठीक है, तो आपको इन हैंड सैलरी इसकी मिलने वाली है 24,200 रुपये, 24,200 रुपये आपकी सैलरी मिलने वाली है। ये टोटल सैलरी है, ये आपके इन हैंड है, ये आपको इतनी मिलेगी, ये सब कट उठ के ये सब कटेगा आपका। ठीक है, और ये तो हो गया सैलरी का। ठीक है, अब हाँ स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसे जोन वाइज कट ऑफ मार्क्स दिखाने वाला हूँ, हर जोन का कट ऑफ मार्क्स है मेरे पास, और इत्तेफाक से अगर एक दो को छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। और पहले तो हम लोग बात करेंगे ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स की, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल कितना जाने वाला है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये मान के चलिए 52 से 60 में रहने वाला है।
ठीक है। और इसको इसके बाद भी वीडियो है अभी, ठीक है, इसको यही कट ऑफ देख के पीछे मत चले जाइएगा, अभी आगे जोन वाइज है, ठीक है। ओबीसी अगर आप हैं, हाँ जनरल कैटेगरी के हैं, तो ये मान के चलिए 52 से 60 अगर कट ऑफ आपका बनेगा नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 48 से लेकर 58 तक आ रहा है तो आप सेफ हैं। और अगर ऐसे कैंडिडेट है तो 45 से 55 आ रहा है तो भी आप सेफ हैं। और अगर ऐसी कैंडिडेट है तो 42 से 50 तक आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। और एक्स सर्विस मान के एक्स सर्विस मैन की बात की जाए तो 30 से 40 अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। ये तो हो गया ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स ही, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले जोन वाइज, जोन वाइज की बात कर ले कि जोन के कितना कट ऑफ रहने वाला है, और कोई जोन अगर छूटता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए, उसको मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और आपके अनुसार कितना कट ऑफ मार्क्स होने वाला है आप वो भी एक्सपेक्ट करके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें गोरख, पहले हम लोग बात करेंगे गोरखपुर का, गोरखपुर की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी जनरल से हैं आप हैं तो 61 मानिए, अगर ओबीसी है तो 54 कट ऑफ जाने वाला है, एससी कैंडिडेट है तो 47 कट ऑफ जाने वाला है, तो अगर एसटी कैंडिडेट है 39 जाने वाला है, और एक्स सर्विस मैन है तो 32 जाने वाला है, ठीक है। फिर वही हम लोग का बात करते हैं बेंगलोर की, बेंगलोर की बात की जाए, अगर बेंगलोर में आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 65 जाने वाला है, अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 61 जाने वाला है, और एससी कैंडिडेट है तो 53 जाने वाला है, और एसटी कैंडिडेट है तो 46, और एक्स सर्विस मैन है तो 34 आपका कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है। फिर उसका तीसरा जोन जो है मुंबई का है, मुंबई की बात कर लीजिए, मुंबई के आप हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 67% आपका कट ऑफ जाने वाला, 67 नंबर जाने वाला है, नंबर यही है, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। ओबीसी ओबीसी है तो 64 जाने वाले हैं, अगर एससी है तो 56 जाने वाला है, और एसटी है तो 49, और एक्स सर्विस मैन है तो 36 लाख कट ऑफ जाने वाला है, मुंबई के लोगों की बात हो रही है। फिर चौथे की बात कर ले तो गुवाहाटी, गुवाहाटी का देखा जाए जनरल का 54 जा रहा है, ओबीसी का 52 जा रहा है, और एससी का 47, और एसटी का 40, और एक्स सर्विस मैन है तो 34 जाने वाला है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। फिर कोलकाता की बात कर लें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अगर कोलकाता के हैं तो उसकी बात कर ली जाए तो 54 कोलकाता का जनरल वाला को जाने वाला है, फिर ओबीसी 50, और एससी 42, और एसटी जो है 38, और एक्स सर्विस मैन की बात की जाए तो 31 जाने वाला। फिर सिकंदराबाद की हम लोग बात करते हैं, सिकंदराबाद की बात की जाए अगर आप तो जनरल कैटेगरी के हैं तो 61 कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 57 बनने वाला है, और एससी कैंडिडेट है तो 48, और एसटी कैंडिडेट है तो 42, और एक्स सर्विस मैन है तो 37 आपका कट ऑफ मार्क्स इस बार का बनने वाला है। फिर चेन्नई के लोगों की हम लोग बात करते हैं, चेन्नई में देखिए अगर जनरल कैटेगरी है 51, ओबीसी है तो 49, एससी है तो 43, एसटी है तो 37, और एक्स सर्विस मैन है तो 30। फिर पटना की हम लोग बात करते हैं पटना की बात करते हैं, पटना का जनरल कैंडिडेट है तो 58 जाने वाला है, ओबीसी है तो 56 जाने वाला है, और एससी है तो 53, और एसटी है तो 45, और एक्स सर्विस मैन है तो 36 आपका कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है। फिर हम लोग रांची की बात कर ले, रांची की बात किया जाए तो अगर आप जनरल है तो 57 बनने वाला है, ओबीसी है तो 54, और एससी है 49, और एसटी है तो 42, और एक्स सर्विस मैन है तो 35 आपका कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है। फिर चंडीगढ़ की बात कर लिया जाए, चंडीगढ़ के जनरल वर्क कैटेगरी के लोग की बात है, 69 कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है, ओबीसी की बात की जाए 65, और एससी की बात की जाए तो 60, और एसटी की बात की जाए तो 51, और एक्स सर्विस मैन की बात की जाए तो 42। फिर वही भोपाल की हम लोग बात करते हैं, भोपाल की बात की जाए तो 64 बनने वाला है, और जनरल का ओबीसी का 59, और एससी का 45, और एसटी का 39, और एक्स सर्विस मैन है तो 32 कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है। फिर अजमेर की बात की जाए, अजमेर के लोगों की बता दीजिए अजमेर की बात की जाए तो 57 आपका जनरल है, और ओबीसी का 54 है, और एससी अगर आप हैं तो 49 है, और एसटी है तो 45 है, और एक्स सर्विस मैन है तो 37 आपका कट ऑफ मार्क्स बनने वाला है। फिर इलाहाबाद के लोगों की बात कर लिया जाए, अगर आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो 62 कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है आपका, और ओबीसी है तो 58 जाने वाला है, और एससी है तो 55,
एसटी है तो कितना 50 मार्क्स, और एक्सरसाइज मैंने तो 40 के प्लस 40 रहने वाला है। फिर भुवनेश्वर की बात कर लिया जाए, भुवनेश्वर की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी का 50 रहने वाला है, ओबीसी का 46 रहने वाला है, एससी का 43 रहने वाला है, एसटी का 42 रहने वाला है, और एक्स सर्विसमैन 30 के आसपास रहेगा। फिर अहमदाबाद की बात कर लिया जाए, अहमदाबाद की बात किया जाए, जनरल का 65 रहने वाला है, ठीक है, ओबीसी का 62 जाने वाला है, और एससी का 55 जाने वाला है, एसटी का 47 आ जाने वाला है, और एक्स सर्विस मैन की बात की जाए तो 35 जाने वाला है। और फिर बिलासपुर की बात कर लेते हैं हम लोग, बिलासपुर तो बिलासपुर का जनरल का 51 जाने वाला है, ठीक है, ओबीसी का 47 जाने वाला है, और एससी है तो 44 जाने वाला है, एसटी कैंडिडेट है 39 जाने वाला है, और एक्स सर्विस मैन है तो 31 जाने वाला है। तो ये थी कुछ जिलों जोन के कट ऑफ मार्क्स, और जो जोन आपके नहीं है और आप अपने जोन का जानना चाहते हैं तो छूटा हुआ होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जोन का नाम लिख दीजिएगा, मैं वहाँ का बनाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके जैसे बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे बनाई हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और सरकारी की जितनी न्यूज़ है अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में किसी काम आया हो, और अगर जितने जितने लोग का कट ऑफ मार्क्स इसके आसपास रह रहा है तो प्लीज़ वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर अब खत्म ही है, खत्म ही क्या एक ही दिन बचा हुआ है तो खत्म ही है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये वीडियो किसी काम आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।